एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। आज हम रिव्यू करेंगे द अवतार वे ऑफ वाटर। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखना, पूरा मतलब कि पूरा शुरुआत से लेके एंड तक देखना, और वीडियो भी सिर्फ 3 मिनट का है, कुछ ज्यादा बड़ा नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने जैसा कि देखा था, वो अपने जंगल की रक्षा करने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं और उस जंगल को बचा लेते हैं। अब उस जंगल में शांति से वो रह रहे हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, उनके अब बच्चे भी हो चुके हैं, एकदम लाइफ हो तो ऐसी वाला माहौल चल रहा है। और अब उन्हें लगता है कि सब कुछ सेट है, तभी आता है उनके ऊपर खतरा। और वो क्यों आता है, कैसे आता है, वो मैं नहीं बताऊंगा। मेन जो सवाल आपके दिमाग में होगा वो ये होगा कि इसका जो CGI है वो कैसा है। तो मैं आपको बता दूं, अरे यार एक नंबर की बवाल चीज है भाई, क्या विजुअल इफेक्ट है, मजा आ जाता है देख के, और इसके लिए पैसा वसूल है। मुझे लगता है आदिपुरुष वालों को इनसे सीखना चाहिए, और इसका जो मजा है वो थिएटर के अंदर ही है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप IMAX 3D में देखे, अगर नहीं देख सकते तो Normal 3D में देखे, और Normal 3D में भी नहीं देख सकते तो 2D में भी देखना, लेकिन देखना थिएटर के अंदर ही, क्योंकि ऐसी मूवी बार बार रिलीज नहीं होती, और इस मूवी का जो एक्सपीरियंस है वो आपको थिएटर के अंदर ही मिलेगा। एक और चीज है जो आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, और वो चीज है इसकी कहानी। और देखो मैं आपको बता दूं, इसकी जो कहानी है वो थोड़ी बेसिक है, जो हमने पहली मूवी में देखी थी, काइंड ऑफ उसके जैसी ही है। लेकिन मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब आप उम्मीद लगा के जाओगे कि इसकी अच्छी जबरदस्त कहानी है, जबरदस्त विजुअल है, तो आप थोड़े डिसअपॉइंटेड हो सकते हो, और वो ना हो, इसलिए मैं पहले से ही आपका माइंड जो है वो क्लियर कर दूं, ताकि आपको मूवी देखने का मजा है वो डबल हो जाए। मूवी है वो 3 घंटे की है, और 3 घंटे की इसकी कहानी की रिक्वायरमेंट नहीं थी, बल्कि जो इसकी विजुअल इफेक्ट है वो दिखाने के चक्कर में थोड़ा लंबा किया गया। अगर आपको एग्जांपल देकर समझाऊं तो समझ लो, आप एक डेस्टिनी से दूसरी डेस्टिनी तक जा रहे हो, और आप बीच में जो है वो सफर के मजे ले रहे हो, अच्छी अच्छी वादियां देख रहे हो, समंदर देख रहे हो, रोड देख रहे हो, लेकिन कुछ जगह ऐसी आती है जहां पर आपको ऐसा मन होता है कि हम बस रोके और उस जगह को और ज्यादा एक्सप्लोर करें, और इसलिए आप थोड़ी देर रुक जाते हो, देखते हो उन चीजों को, और फिर वापस बस में बैठकर आगे बढ़ जाते हो। ठीक है, तो इससे आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यही कुछ इस मूवी के साथ भी होता है। तो जब आप मूवी देखने जाओ तो यही आपके दिमाग में घुसाना है कि आप एक शिप में बैठे हो और पेंडोरा जो है वो विजिट करने गए हो, और वो सब आप देखते देखते कहानी को भी एंजॉय कर रहे हो। और देखो अवतार सिर्फ एक मूवी नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस है। नासा वाले कब एलियन को एक्सप्लोर करेंगे और कब उन तक हम जाएंगे, कब उनको देखेंगे पता नहीं, आपको अभी देखना है तो अवतार 2 देखो, और एलियंस कैसे जिंदगी जीती है वो देखो। जेम्स कैमरन का इमेजिनेशन काफी ज्यादा फाड़ू है मैं कहूंगा, क्योंकि ऐसी दुनिया को अपने दिमाग में सोचना और उसके बाद जो है लोगों तक पहुंचाना और उस चीज को एकदम 100% एक्यूरेट बनाना, वैसे तो कंपेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं तो Part 1 है वो Part 2 से काफी ज्यादा अच्छा था। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका दिमाग एकदम क्लियर रहे आपको क्या देखने को मिलने वाला है। और जिन्होंने Part 1 नहीं देखा है तो मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले Part 1 देखो अपने फोन में, फिर जाके मूवी देखना, तब आपको ज्यादा मजा आएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आपके सपोर्ट की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, थैंक यू सो मच। हिम्मत दिखाओ।